नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तराखंड में लगातार आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश ने पूरे प्रदेश में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं लगातार, जहां रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा के पास बंद है, मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, तो वहीं देहरादून में नदी किनारे रहने वाले लोग खौफ में जी रहे हैं और चंपावत की शारदा नदी का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ गया है। आगे इन खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये चार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश और भूस्खलन ने उत्तराखंड में लोगों की मुसीबतों को बढ़ाने का काम किया है। तो पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। यहां तो नदियां उफान पर हैं, हरिद्वार हो या देहरादून या फिर मसूरी, बारिश और बाढ़ की ऐसी तस्वीरें देखकर दिल की धड़कन थम जाए। उत्तराखंड में आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी। पहाड़ है तो नदियां उफान पर होंगी ही, और पानी की धार तो पूछिए ही मत, हर किसी को बहा ले जाने को आतुर। एक एक तस्वीर ऐसे हालात की तस्दीक करती है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये राजधानी देहरादून में बारिश से अस्त व्यस्त जिंदगी की कहानी कहने के लिए काफी है। वार्ड नंबर 35 की मित्रलोक कॉलोनी में घरों के अंदर पानी घुस चुका है। यहाँ हालात ऐसे जैसे नदी बह रही है। इसी तरह यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी नदी उफान पर है। ये तस्वीर हरिद्वार की। यहाँ गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल पर पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने गंगा को उफान पर ला दिया, यानी गंगा के किनारे बसे शहरों में अब बाढ़ की हालत गंभीर हो सकती है। तभी तो खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, यह खौफ पैदा कर रही है। यह तस्वीर मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल का है। लोग यहां खुशनुमा माहौल में बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन इस वक्त यानी मानसून में इस फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये दो तस्वीरें, एक मानसून से पहले की जहां का दिलकश नजारा है, और दूसरी तस्वीर इस वक्त की यानी बारिश के मौसम की, मानो ये दिल दहलाने वाला दृश्य हो। ये रामनगर की तस्वीर। यहां मैथी साह नाले में अचानक इतना पानी आ गया कि इसमें स्कूटी सवार दो शख्स फंस गए। पानी का वेग इतना तेज कि स्कूटी सवार को पानी बहा ले जाती, लेकिन गनीमत यह रही कि इनके कुछ साथी सामने आ गए और इन्होंने स्कूटी समेत इन्हें बचा लिया। लेकिन यह इनकी भी गलती है कि इन्होंने जोखिम लिया। रुद्रप्रयाग की यह तस्वीर तो बारिश और बादल फटने से बड़े नुकसान का प्रमाण है। यह यहां के सिरवाड़ी गांव का दृश्य है। बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास जमा हो गया, घरों तक में घुस गया। बड़े बड़े पत्थर यहाँ नजर आ रहे हैं। दरअसल इस घर के पिछले हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ। फिलहाल यहाँ के लोग दहशत में। बहरहाल उत्तराखंड में बारिश कहर बरकर टूट रही है। तमाम जगहों पर भारी बारिश ने लोगों की जान को खतरे में डाला, तो कुछ लोग खुद से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आ रही है। यही वजह है कि लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश अपना कहर बरपा रही है। देहरादून के अलग अलग इलाकों में जलभराव जैसी समस्या लोगों के सामने आ रही है। नदियां भी उफान पर हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून के तमाम क्षेत्रों में जलभराव की समस्या लोगों के सामने आ रही है, तो वहीं राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नदियां उफान पर है।
पानी का तेज बहाव है और यहाँ से टिहरी जनपद की सीमा शुरू होती है और आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि सामने मेरे की बांदल और सोंग नदी का संगम भी इसी जगह पर होता है। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश अभी आफत बनी हुई है, तो ऐसे में नदियों का उफान पर होना लोगों की मुसीबत में और इजाफा करता है। बहरहाल लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए और भी बारिश होने की आशंका जताई है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, मालदेवता, देहरादून। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश कहर बनकर टूट रही है, जगह जगह जलभराव हो रहा है, नदियां उफान पर हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार का, और रामनगर से दानिश खान भी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों से जानते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। पहले विनोद के पास चलते हैं। विनोद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरह का नजारा है? क्या बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति वहां पर भी है, और नदी किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनके सामने किस तरह की दिक्कतें हैं? जी देखिए कौशल, मैं इस वक्त मालदेवता क्षेत्र में हूँ। ये राजधानी देहरादून से करीब 18 किलोमीटर पर है। यहाँ से टिहरी जनपद यानी प्रदेश के दूसरे जिले टिहरी की सीमा शुरू हो जाती है और लगातार यहाँ पर ही बांदल और सोंग नदी का संगम होता है। नदियाँ उफान पर है और जिस तरह से लगाव पूरी तरह से तेज बहाव है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि लगातार ये नदी पूरी तरह से तेज बहाव है, तेल जलस्तर इसका बढ़ रहा है और लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। ये पहाड़ी इलाका है और दोनों नदी यानी बांदल और सोंग नदी का संगम इस जगह होता है और यहाँ से जो उफान पर नदियाँ होती हैं, जलस्तर जिनका बड़ा होता है, तो वो मैदानी क्षेत्रों में जाकर लोगों की मुसीबतें बढ़ाती है। जल भराव की दिक्कतें वहाँ पर होती है और यही वजह है कि राजधानी देहरादून के तमाम इलाकों में जल भराव जैसी समस्या हो रही है। लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले 3 दिनों में कौशल, अभी मौसम विभाग ने और बारिश की होने की संभावना जताई है। बिल्कुल, तो बारिश की वजह से अभी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। विनोद, आप बने रहिए, रामनगर का रुख कर लेते हैं। दानिश भी हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश से जानते हैं कि वहां क्या हालात हैं। रामनगर से जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, नाले उफान पर हैं। रामनगर में दानिश किस तरह का सूरत हाल है, कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है? देखिए कौशल, मैं आपको बता दूं, रामनगर के आसपास लगातार बारिश जारी है। फिलहाल रामनगर शहर में बारिश रुकी हुई है, लेकिन रामनगर के आसपास के जंगलों में बारिश जारी है, जिससे जो नदी नाले हैं उफान पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोसी नदी है, ये अमूमन इतनी भरी हुई नहीं होती है जो इस वक्त भरी हुई है। कोसी नदी से नगर को हो रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश के रामपुर और जिला मुरादाबाद को होगा, क्योंकि यहाँ से पानी बढ़ने से उन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कहना यही होगा कि रामनगर के आसपास हो रही बारिश से न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश को भी खतरा बढ़ चुका है। बिल्कुल, तो खतरा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। विनोद, आप जहाँ पर मौजूद है, ये नदी कई ऐसे इलाकों से गुजरती होगी जहाँ किनारे पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो रहते भी होंगे, ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए क्या शासन प्रशासन ने कोई योजना बनाई है? क्योंकि बारिश अभी रहने वाली है, मानसून का सीजन आगे भी चलने वाला है, और ऐसे में उन लोगों के सामने जो दिक्कत है, क्या उनके विस्थापन की कोई नीति बनी है? जी देखिए कौशल, जिस जगह पर हम हैं यहाँ लगातार लगातार बारिश के सीजन में यानी मानसून के सीजन में यहाँ पर नदियाँ पूरी तरह से उनका जलस्तर बढ़ा रहता है, तेज बहाव होता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि एक तरफ तो जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है, तेज बहाव है, दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं, हालांकि ये आवासीय घर नहीं, आवास नहीं है, लेकिन काम काज करने वाले लोग यहाँ जरूर रहते हैं नदियों के किनारे, उनके काम धंधे वो करने आते हैं, लेकिन तेज बहाव के कारण डर जरूर लगता है। प्रशासन पर वो खुला आरोप लगा रहे हैं कि जब भी मानसून सीजन होता है, बारिश होती है, तो तमाम व्यवस्था बिगड़ जाती है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सब खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं। और साफ तौर पर आलम होता है जब आप रिजोर्ट देख रहे हैं, इसमें काफी संख्या में काम करने वाले लोग रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, विनोद बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दानिश आपका भी, और ये तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। मसूरी का रुख करते हैं। मसूरी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है। देहरादून मार्ग पर भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से इस रास्ते को बंद करना पड़ा है। मसूरी देहरादून मार्ग का आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया है। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं।
आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आपको मसूरी देहरादून मार्ग की बता रहे हैं। देखिए आधी सड़क ही भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गई। हालांकि लोग अपने रिस्क पर सड़क के किनारे किनारे गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से विद्युत सेवाएं पूरे तरीके से ठप हैं। मसूरी के कंपनी गार्डन और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों घरों में दो दिनों से विद्युत सेवा ठप है। तो वहीं जो सड़कें हैं जहां पर मलबा आया है वहां पर उन रास्तों को भी खोलने का काम जारी है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ है और रास्ते में जो मलबा आया है उसे खोलने का भी काम जारी है। जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि विद्युत सेवाएं कई इलाकों में ठप हो गई हैं। मसूरी में वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे दो दिनों से बंद पड़ा है। बांसवाड़ा में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं जिसकी वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। रविवार रात से ही ये केदारनाथ हाईवे बंद है और हाईवे पर बड़े बड़े वाहन फंसे हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग के छोड़ी में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद केदारनाथ जाने वाले यात्री यात्रा इस रास्ते को पार कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो पहाड़ है वो दरक रहा है। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, नीचे केदारनाथ हाईवे जो बना हुआ है उस पर मलबा आ रहा है और ये दो दिनों से ये हाईवे बंद पड़ा है। रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी गांव में रविवार को बादल फटने की घटना हुई जिसके चलते लोगों के घर और खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा। जिसके बाद रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह लोगों का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो सिरवाड़ी गांव पहुंचे विधायक भरत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके साथ रहे। यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी रविवार को, लोगों के घरों में मलबा घुस गया था। और इस वक्त रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। जोशीमठ से ये बड़ी खबर आ रही है जहाँ बद्रीनाथ हाईवे 41 घंटे से बंद है। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे 41 घंटे से बंद है। बारिश से फिर सड़क पर मलबा आ गया है। कल देर रात यहां बारिश हुई थी और उसके बाद फिर सड़क पर मलबा आ गया है। पागल नाला और काली मंदिर में ये मलबा आया है और इसकी वजह से श्रद्धालु जो बद्रीनाथ धाम जाने वाले थे वो और स्थानीय लोग दोनों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे 41 घंटे से बंद पड़ा है। अभी तक इस हाईवे को खोला नहीं जा सका है। कल देर रात भी बारिश हुई थी जिसकी वजह से सड़क पर मलबा आ गया। पागल नाला और काली मंदिर में ये मलबा आया था, इस वजह से रास्ता बंद हो गया। 41 घंटे से ये बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे 41 घंटे से बंद है। बारिश की वजह से फिर सड़क पर मलबा आ गया है। कल देर रात बताया जा रहा है बारिश हो रही थी। जोशीमठ के टंगड़ी में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में पहाड़ी ऐसे दरकती दिख रही है मानो किसी ने पहाड़ को जोर से हिला दिया हो। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये हुआ है हादसा वहां पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। इस वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने डेंजर जोन पर SDRF को तैनात किया है। डेंजर जोन लामबगढ़ स्लाइड और काली मंदिर बताया जा रहा है जहां पर JCB मशीनों को लगाया गया है। रंजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा हाल जानते हैं जोशीमठ में क्या कुछ तस्वीरें हैं। रंजीत, जिस तरह से बद्रीनाथ हाईवे को भी 41 घंटे से खोला नहीं जा सका है, लगातार पहाड़ियां दड़क रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, अब क्या स्थिति है? जी आपको बता दें कि जो रामगढ़ फ्लड है लगातार वहाँ पर मलबा आ रहा है। खराब मौसम के चलते जो है NH उसको हाईवे खोलना काम शुरू नहीं कर पाए। वही कल रात से पागल नाला और काली मंदिर के पास फिर बंद हो गया जिसके चलते यहाँ पर चारधाम पर जो यात्री है उनको भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जो स्थानीय लोग उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल दिक्कतें बढ़ रही। बहुत शुक्रिया रंजीत आपका तमाम जानकारी।
आगे बढ़ते हैं और बागेश्वर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बारिश से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं बागेश्वर में। बारिश के चलते जिले के 3 ब्लॉक में कई सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश की वजह से अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे भी बाधित हो गया है। तो बागेश्वर में भी लगातार बारिश से सरयू और गोमती नदी उफान पर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर में बारिश से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। आप देखिए कितना भयावह ये तस्वीर है। नदी का जो रौद्र रूप है वो डराने वाला है। इस बारिश से जिले के 3 ब्लॉक में कई सड़कें बंद हैं और गोमती नदी जिस तरह से उफान पर है बागेश्वर में, सरयू और गोमती नदियां वो लोगों को डराने वाली हैं। ये तस्वीरें बागेश्वर की हैं जहां नदियां उफान पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं। तो बारिश की वजह से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। जिले के 3 ब्लॉक में सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। तो बागेश्वर में बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बारिश कपकोट में 75 मिलीमीटर दर्ज की गई। सरयू नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया जिससे गोताखोरों ने किसी तरह से नदी से निकाल लिया। बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं जिससे कई रोड बाधित हैं। 30 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। चमोली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां कर्णप्रयाग में थराली देवाल मार्ग बंद हो गया है। चमोली से बड़ी खबर, कर्णप्रयाग में थराली देवाल मार्ग बंद हो गया है। चट्टान गिरने की वजह से रास्ता बंद हुआ है। नंद केशरी के पास ये रास्ता बाधित हुआ है। तो चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्णप्रयाग में थराली देवाल के पास ये रास्ता बंद हुआ है। सड़क पर चट्टान गिरी है जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल के करीब पहुंच गया है। गंगा इस समय 293 मीटर पर बह रही है जो कि चेतावनी का जलस्तर है। जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है उसे देखते हुए गंगा का जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है। हरिद्वार में गंगा का जो जल है वो खतरे के निशान 994 मीटर पर है। ऐसे में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले इलाकों में जो लोग हैं उनको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित मुनस्यारी इलाके में भी हालात अभी सुधर नहीं पाए हैं। धारचूला के गलाती गांव में पिछले 10 दिन में अभी भी सरकारी मदद नहीं पहुंची है। हालांकि अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं। तो पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में भी आपदा आई थी लेकिन 10 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई सरकारी मदद इन लोगों को नहीं मिल पाई है। हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। बारिश का पानी दोबारा घरों पे आ जा रहा है और प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी जहाँ पे हम शरण में हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी कोई शासन प्रशासन द्वारा उतनी जानकारी नहीं ली जा रही है लोगों के प्रति। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें आज से उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। तो आज से उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका उद्घाटन करेंगे। ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस की यह शुरुआत होगी। देश का पहला अस्पताल बनने जा रहा है ऋषिकेश एम्स, जहां इस सेवा की शुरुआत होने वाली है। एम्स परिसर में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्घाटन करेंगे ऋषिकेश एम्स में। आज एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी और इस सेवा को शुरू करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है ऋषिकेश एम्स। एम्स परिसर में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो आज से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी ऋषिकेश एम्स में। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश एम्स में इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।